और बीजेपी की मुखालफत करने वाले जर्नलिस्ट पुनी प्रसून वाजपेयी के दो विपरीत ट्वीट चर्चा में हैं। पहले पुनी प्रसून ने ट्वीट करके धारा 370 हटाने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय बताया था, लेकिन दूसरे ही दिन पुनी प्रसून वाजपेयी अपने पहले बयान से पलट गए और सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा करने लगे। पुनी प्रसून वाजपेयी ने लिखा, डायल किए गए नंबर पर इस समय इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं है। कश्मीर के हर मोबाइल पर डायल करने पर यही रिकॉर्डेड जवाब आ रहा है और न्यूज़ चैनल से जो जानकारी मिल रही है उसमें दिल्ली के दो नायकों की गाथा है जी। कश्मीर पर निर्णय का पहला शिकार लोकतंत्र हो गया है। पुण्य प्रसून के इस ट्वीट के बाद वरिष्ठ जर्नलिस्ट और न्यूज नेशन के प्राइम शो खोज खबर के एंकर दीपक चौरसिया ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया कि कल तो आप निर्णय की तारीफ कर रहे थे, आज क्या हो गया।